नमस्कार, मेरा नाम संदीप है और टेक्निकल गपशप के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब कुछ खत्म सा हो गया है, मतलब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे सामने अब एक ही रास्ता रह गया है, मैं मरना चाहता हूँ। तो कभी ना कभी ऐसे ख्याल हमारे मन में आ ही जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके मन में आए हैं, पर आ जाते हैं लोगों के मन में, और उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। चाहे हम 10th में फेल हो गए, 12th में फेल हो गए, गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गए, या फिर एक्सपेक्टेशंस का जो बोझ है हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में हमको सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आता है, वो है अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना। पर असल मायनों में यहाँ पर ख़त्म कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे शुरुआत हो रही है, एक दुख भरी शुरुआत। आपके माता पिता के लिए, आपके भाई बहनों के लिए, या फिर किसी के लिए भी जो आपको अच्छा मानता है, आपको प्यार करता है। जिंदगी से हार कर आत्महत्या कर लेना, ये कोई सलूशन नहीं है। कभी सोचा है आपके माँ बाप पे क्या बीतेगी, जिन्होंने बचपन से आपको अपनी गोदी में खिलाया, एक खरोच तक नहीं आने दी। उन्होंने सब कुछ किया, सारे त्याग किए आपके लिए, और आप ऐसे चले जाएंगे। ऐसे जाने वालों में से नहीं है आप। चाहे रीजन कुछ भी हो, चाहे एग्जाम में फेल हो गए हो, चाहे गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गई हो, चाहे खूब सारी एक्सपेक्टेशन के बोझ से दबते हुए जा रहे हो आप, आत्महत्या या सुसाइड नहीं है उसका आंसर। मैं बताता हूँ आंसर क्या है। सबसे पहले आप अपने मन से ये डिप्रेशन निकाल दीजिए। नहीं आसान होगा, एक महीना लगेगा, दो महीने लगेगा, छः महीने लग सकते हैं। और उसके सबसे पहले आपको करना ये होगा कि अपने भाई बहनों से, अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से बात करनी होगी। अरे जो माँ बाप जब आप बचपन में गिर जाते थे, आपको उठाते थे, प्यार से सहलाते थे, आपको क्या लगता है अब वो आपकी बात नहीं सुनेंगे? ये हमारी सोच है, हम सोचते हैं ऐसा कि वो नहीं सुनेंगे, पर उनके लिए तो आज भी हम वही बच्चे हैं। मुझसे पूछिए, मेरा बड़ा बेटा 7 साल का हो गया, पर मैं उसको वैसे ही देखता हूँ जब मैंने उसको पहली बार अपनी गोदी में पकड़ा था। अलग एक्सपीरियंस था, और वो एक्सपीरियंस मैं भूल नहीं सकता, शायद ज़िंदगी भर ना भूलूँ उस चीज़ को। तो उनसे बात करिए, अपने भाई बहन से बात करिए, अपने दोस्तों से बात करिए। दोस्त चाहे कितने भी मजाक उड़ाते हों, लेकिन जो आपके असली दोस्त हैं वो आपकी बात सुनेंगे, वो आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। तो पहला काम तो आप ये करिए कि अपने दोस्तों के संग, अपने भाई बहनों के संग, सबके साथ बात करिए। उसके बाद आप देखिए कि आप डिप्रेशन में आए क्यों थे। 10th फेल हो गए, 12th फेल हो गए, कोई भी एग्ज़ाम फेल हो गए, वो आप दोबारा दे सकते हैं। ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। और अगर नौकरी नहीं मिली अभी, बाद में मिलेगी और बहुत अच्छी मिलेगी। मैं आपको अपनी एक पर्सनल बात बताता हूँ। याद है मैंने आपसे कहा था कि मुझे 3 महीने तक नौकरी नहीं मिली थी, मेरे पहले वाले वीडियो में? आप जान के चौंक जाएंगे कि मुझे आइडिया के हिंदी कॉल सेंटर में जॉब नहीं मिली थी। उन्होंने मुझे ये बोलकर रिजेक्ट कर दिया कि मैं बहुत तेज बोलता हूँ। मैं डिप्रेस हो गया, लेकिन अगर वो जॉब मुझे मिल जाती तो मैं वही कॉल सेंटर में अभी आज मैनेजर हो गया होता, सीनियर मैनेजर हो गया होता, जैसा डिप्टी मैनेजर हो गया होता, या होता वही कॉल उठा रहा होता। पर वो सब नहीं करना था मुझे, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो काम खराब है, सब काम अच्छे हैं, पर भगवान ने मेरे लिए कुछ और सोचा था। वो चाहते थे कि मैं कनाडा आऊं और यहाँ पे कैनेडियन रेलवेज के लिए नौकरी करूं और अपना खुद का बिजनेस सेटअप करूं। ये सब था उनके दिमाग में मेरे लिए। टाइम लगता है चीज़ों को, कोई जल्दी पा लेता है, कोई थोड़ा देर में पाता है, पर उसको मिलता ज़रूर है। सबके लिए भगवान ने कुछ ना कुछ सोच के रखा है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तीसरी बात, आप देखिए कि जो हो गया हो गया, आप उसको अब कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप 10th में पास हो सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट में फेल हुए थे। मेहनत करिए, कड़ी मेहनत करिए, मेहनत लगेगी, मेहनत ज़रूर लगेगी। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है, वो भी बहुत मेहनत करके बाहर आता है। ये तो एग्ज़ाम छोटी चीज़ है, इसे मेहनत लगेगी, और आप जरूर पास होंगे और आपको जरूर नौकरी मिलेगी। जब आपने वो सारी वीकनेस सुधार ली अपनी, जहाँ पे आप फेल हो रहे थे, जब आपने मेहनत की कड़ी, तो आपको सक्सेस अपने आप मिलेगी, और बहुत अच्छी मिलेगी, जिसकी शायद आपको उम्मीद भी ना हो। और कभी ऐसा हो कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आप कहीं ना जा पा रहे हो सकता है कि उससे और भी अच्छा हो आपकी किस्मत में। पर हमेशा आगे बढ़ते रहिए, पीछे देखना नहीं है कि क्या हुआ, जो हुआ हुआ, उसे लर्न करिए, उसे सीखिए, आगे बढ़िए। पीछे देखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, वहाँ तो जाना भी नहीं है, जहाँ तो आ गई है ना। चाहे कुछ भी करिए, अपने एम तक पहुँचने के लिए मेहनत करिए और आगे बढ़ते रहिए। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताइए, क्योंकि इस डिजिटल दुनिया में हम भूल गए हैं कि असली में टाइम बिताना होता क्या है, असली में बाहर जाना क्या होता है। हम सिमट के रह गए अपने फ़ोनों में, अपने टचपैड्स में। बाहर जाइए, ये दुनिया देखिए,
ये जिंदगी जो हमें बहुत मुश्किल से मिली है एक उत्सव है। आपका मेरा हम सबका फर्ज बनता है कि हम इस उत्सव में भागीदार हों। मुझे मालूम है आज साइबर सिक्योरिटी का दिन था और मैं ये वीडियो ले आया, मेरे पास बहुत सारे भाइयों की ईमेल आई, बहुत सारे डिप्रेस थे, बहुतों से मैंने बात भी की और ये वीडियो मैं आप सबके लिए और उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ। कोशिश करूँगा हर संडे को ऐसे वीडियोज लाऊं जहाँ पे मैं अपनी एक्सपीरियंस से, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से आपसे बात करूँ और शायद कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, और जहाँ आपकी हेल्प हुई वहीं मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस जिंदगी का, इस उत्सव का आनंद उठाइए। टेक केयर एंड बी सेफ। फ्रेश वेट्स Dasha, yo Mike, what up baby? Yo Yanivi, I see you my G. We overseas with this one, man. Get busy.